जमशेदपुर पोटका प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव बांगो गांव के चापाकल खराब हो जाने से बांगो गांव में पेयजल का समस्या उत्पन्न हो गया था। ग्रामवासियों को पेयजल के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं बांगो गांव के अनुपम कर द्वारा दो दिन पहले चापाकल खराब होने का सूचना पोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार को दिया गया था। वही विधायक संजीव सरदार एवं उसकी प्रतिनिधि किशन गुप्ता के द्वारा दो दिन के अंदर चापाकल को ठीक करवा दिया गया। अनुपम का कहना है कि विधायक का ट्विटर पर पोस्ट देखते हुए मैं विभागीय प्रतिनिधि किशन गुप्ता से संपर्क किए, दो दिन के अंदर विधायक द्वारा गाँव का नल को बनवा दिया गया। आज पूरे बांगो गाँव के ग्रामवासी तहे दिल से विधायक संजीव सरदार को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज पहली बार पोटका विधानसभा क्षेत्र की विधायक नेता नहीं बेटे की तरह पूरा क्षेत्र की काम कर रहा है। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। मेरा नाम अनुपम कर है, मैं बांगो गांव का रहने वाला हूं। मैंने पिछले दिनों ट्विटर पर एक पोस्ट देखा था पोटका विधायक श्री संजीव सरदार जी का। उन्होंने एक नंबर साझा कर चापाकल मरम्मत की बात कही थी। मैंने उस नंबर पर बात की और उनके विभागीय प्रतिनिधि श्री किशन गुप्ता जी से संपर्क किया और मैंने उनको सारी जानकारी दी और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिर्फ दो दिनों के अंदर हमारे गांव का चापाकल बन गया और हमारे यहां बच्चे और जो महिलाएं हैं वो अभी इस चापाकल का पानी पी रहे हैं। मैंने ये बहुत दिनों बाद देखा कि हमारे विधायक एक बेटा की तरह हमारे पूरे विधानसभा का सेवा कर रहे हैं।